चलो, कल हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक कल हमने पढ़ा था रिलीजियस रिफॉर्मर्स के बारे में, है ना, जिसमें फर्स्ट पर्सन थे कबीर, है ना, कबीर के बारे में पढ़ा था ना। अब अपन पढ़ते हैं मीराबाई, मीराबाई के बारे में पढ़ते हैं अपन। मीराबाई वॉज अ राजपूत प्रिंसेस बोर्न इन मेवाड़ विच इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे राजस्थान। मीराबाई क्या थी, एक राजपूत प्रिंसेस थी, है ना, जो जो कहां पर का पैदा हुई थी, मेवाड़ में, जो कहां पर पैदा हुई थी, मेवाड़ में, ठीक है, जो अभी कहां पर है, राजस्थान में, है ना। शी वॉज डिवोटेड फॉलोअर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, है ना, वो एक क्या थी, लॉर्ड कृष्णा की एक फॉलोअर थी, है ना, मतलब वो सिर्फ लॉर्ड कृष्णा को ही मानती थी, जो कृष्ण भगवान है ना, वो उनकी एक फॉलोअर थी, मतलब उस एक बहुत बड़ी भक्त थी वो, है ना, मतलब उनको सिर्फ लॉर्ड कृष्णा ही दिखते थे। शी स्प्रेड द मैसेज ऑफ प्रेम भक्ति और डिवाइन लव, ठीक है, उन्होंने कौन सा मैसेज स्प्रेड करा लोगों के बीच, प्रेम भक्ति, ठीक है, मतलब वो सिर्फ चाहते थे कि लोग एक दूसरे से क्या करे, लव करे, ठीक है, प्रेम करे, मतलब विदाउट एनी वॉर। मीरा स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम प्रेइंग एंड सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा। वो सॉन्ग जो सिर्फ किसको डेडिकेटेड थे, लॉर्ड कृष्णा को, मतलब कृष्ण भगवान से रिलेटेड सॉन्ग थे, ठीक है, वो कौन गाता था, मीरा भाई अपना पूरा टाइम किसमें स्पेंड करती थी, यही सॉन्ग गाने में, है ना, और उनसे प्रे करने, ठीक है, और वो सारे सॉन्ग किससे रिलेटेड थे, लॉर्ड कृष्णा से। दिस सॉन्ग बिकेम फेमस एज भजन, और ये सॉन्ग क्या हो गए, फेमस हो गए, है ना, किस रूप में, भजन के फॉर्म। शी रॉट हंड्रेड ऑफ सॉन्ग्स दैट एक्सप्रेस हर लव एंड डिवोशन टू कृष्णा, ठीक है, वो उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स भी गाए थे, ठीक है, जो जो उनके लव को क्या करती है, एक्सप्रेस करते थे, है ना, और मतलब वो कृष्णा की कितनी बड़ी डिवोटी थी, कितनी बड़ी भक्त थी, वो उसको मतलब डेडिकेट करते थे, है ना, रिलेट करते थे, ठीक है। ये हमने पढ़ गया सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में। अब अपन पढ़ते हैं साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं कौन कौन थे फेमस पर्सन। फर्स्ट इज आर्यभट्ट। आर्यभट्ट वॉज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन फिगर्स इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स इन इंडिया। आपको पता है जीरो का इन्वेंशन किसने करा था, जीरो का इन्वेंशन किसने करा था, आर्यभट्ट ने, ठीक है, ये क्या है, एक ये क्या थे, बहुत बड़े फिगर थे, मींस बहुत फेमस पर्सन थे ये, है ना, किस किस कौन सी फील्ड में, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना। He wrote many books on this. He wrote many books on this subjects, है ना? इन सब्जेक्ट्स पे मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी, है ना? ये इन इस पे इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी है ना, इन दोनों सब्जेक्ट्स पर। He talked about many important concepts of mathematics एंड ऑल्सो अबाउट द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स एंड प्लैनेट्स एंड द स्टार्स। इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी, मतलब बताया है बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है, किससे, किसके, मैथमेटिक्स के, ठीक है, जो मैथ सब्जेक्ट है ना उसके बारे में इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई है, और उन्होंने और क्या क्या चीजें बताई है कि प्लैनेट्स और स्टार्स कैसे मूव करते हैं, उन्होंने ये भी बताया। ही बिलीव दैट द मून द अर्थ
अर्थ सैटेलाइट मूव अराउंड द अर्थ। उन्हें क्या लगता था, आपको ये सब पता है कि मून और जो अर्थ की जो सैटेलाइट है, मतलब मून क्या है, अर्थ की सैटेलाइट है ना, वो किसके अराउंड मूव करती है, अर्थ के अराउंड। ठीक है, जो मून है नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, वो किसके अराउंड मूव करती है, अर्थ के अराउंड मूव करता है। मेनी सेंचुरीज लेटर व्हेन इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट, इट वाज नेम्ड आफ्टर आर्यभट्ट। मतलब बहुत सालों बाद जब पहली सैटेलाइट लॉन्च हुई इंडिया के थ्रू, तब उसको क्या नाम दिया गया, आर्यभट्ट। ठीक है, सबसे पहली जो सैटेलाइट थी उसका नाम क्या दिया गया था, आर्यभट्ट। ही इज बिलीव टू हैव डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। उन्हें मतलब जीरो का इन्वेंशन किसने करा था, इस पर्सन ने, आर्यभट्ट। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने आर्यभट्ट के बारे में। दूसरा साइंटिस्ट कौन है, चरक। चरक कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द फील्ड ऑफ मेडिसिन इन एंशियंट इंडिया। ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन किस में था, मेडिसिन में, है ना। एंशियंट इंडिया मतलब जो पुराना इंडिया था उसमें इनका कंट्रीब्यूशन किस में था, मेडिसिन। ही पेड अ लॉट ऑफ अटेंशन टू हिज पेशेंट्स एंड द कंडीशंस इन विच दे लिव्ड, एज ही बिलीव दैट इट कुड इन्फ्लुएंस देयर ट्रीटमेंट। ठीक है, अब वो अपने पेशेंट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे, है ना, मतलब उन पे अटेंशन रहता था उनका, और उनकी कंडीशंस को वो देखते थे कि वो कैसे वर्क, मतलब वो कैसे रह रहे हैं, है ना। उन्हें क्या लगता था कि उनकी ट्रीटमेंट को वो अच्छा कर सकते हैं, मतलब उन्हें अच्छी तरह ट्रीट कर सकते हैं। ही इज ऑल्सो क्रेडिटेड विथ बींग द फर्स्ट फिजिशियन टू प्रेजेंट द थ्योरी ऑफ डाइजेशन। ठीक है, ये एक पहले, मतलब ये इनको और किस नाम से जाना जाता है कि इन्होंने, ये पहले पर्सन है जिन्होंने किसका, कौन सी थ्योरी का इन्वेंशन किया, डाइजेशन। जो अपन अपने अंदर होता है ना डाइजेशन, फूड डाइजेस्ट होता है। ठीक है, उसका इन्वेंशन किसने किया था, दिस पर्सन ने। चारक ऑल्सो स्टडीड द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स ऑर्गेन एंड हैड सम नॉलेज ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, अपने अंदर जो जीन्स होते हैं ना उसके बारे में भी इन्होंने पढ़ रखा है। ठीक है, और किसके बारे में पढ़ रखा है, अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में, है ना, और उनके ऑर्गेन्स के बारे में, जैसे लीवर, हार्ट, इन सब के बारे में भी इन्होंने पढ़ रखा। ठीक है, अब आ गए हैं सोशल रिफॉर्मर्स। सोशल रिफॉर्मर्स पहले क्या पढ़ा था अपन ने, रिलीजियस रिफॉर्मर्स। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं सोशल रिफॉर्मर्स। पहला है पर्सन राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, सबसे पहले पर्सन ये है राजा राम मोहन। राजा राम मोहन रॉय वॉज अ ग्रेट इंडियन सोशल रिफॉर्मर। ये क्या है, ये क्या थे, एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। मतलब ये काय के लिए वर्क करते थे, सोसाइटी को चेंज करने, है ना, तो सोसाइटी में जितने भी बैड वर्क्स हो रहे हैं उनको चेंज करने के लिए ये वर्क करते थे। ही वॉज बोर्न ऑन 22 मई 1772। इनका बर्थ कब हुआ था, 22 मई 1772। ठीक है, ही स्पोक फॉर द एबोलिशन ऑफ वेरियस सोशल इविल्स सच एज चाइल्ड मैरिज एंड सती। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी जो सोशल इविल्स है, मतलब जो खराब काम हो रहे थे सोसाइटी में, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, है ना, बच्चों की मैरिज करवाना, या फिर सती। सती मतलब कि जो रहते ना, वेट अ सेकेंड, चलो लीव। तो
तो कौन से इफेक्ट्स, मतलब कौन से इविल वर्क्स थे, जैसे चाइल्ड मैरिज हुआ है ना, तो बच्चों जो बच्चों की जो मैरिज होती है उसको बंद करवाने के लिए ये वर्क करते थे। ही बिलीव दैट इट इज ओनली थ्रू एजुकेशन दैट पीपल विल स्टॉप दीज क्रूएल प्रैक्टिसेस। उनको क्या लगता था कि लोग अगर एजुकेट हो जाते हैं है ना, एजुकेटेड रहते हैं, मतलब वो अगर पढ़े लिखे होते हैं तो उन्हें इन सब चीजों के बारे में समझ में आ जाता है, ठीक है, मतलब उनको लगता है कि ये गलत है, फिर है ना, चाइल्ड मैरिज क्या होगी, गलत है, तो लोग क्या करेंगे, इन सब चीजों को रोक देंगे। ही रोट मेनी बुक्स एंड आर्टिकल्स ऑन दिस इशू। इन्होंने इन इश्यूज पर, जैसे चाइल्ड मैरिज हुआ और भी होता है, ठीक है, एक अनटचेबिलिटी रहती है, मतलब जो छोटी कास्ट के लोग रहते हैं उनको टच करना भी क्या रहता है, क्राइम रहता है। इन सब चीजों को रोकने के लिए इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी थी। राजा राम मोहन रॉय अलोंग विद द्वारकानाथ टैगोर फाउंडेड द ब्रह्मो समाज इन कोलकाता, ठीक है, इन्होंने द्वारकानाथ टैगोर के साथ एक क्या ओपन करा था, ब्रह्मो समाज, ठीक है, जो इन सब चीजों के लिए वर्क करते हैं। कहाँ पर, कोलकाता। ही डाइड ऑन 27 सितंबर 1833। उनकी डेथ कब होगी, 27 सितंबर 1883, ठीक है। चल, एक पर्सन के बारे में पढ़ लिया अपन ने। नेक्स्ट है सैयद अहमद खान। ये कौन है, सैयद अहमद खान वॉज बोर्न ऑन 17 अक्टूबर 1817 इन दिल्ली, ठीक है। सैयद अहमद खान कौन है, मतलब उनका बर्थ कब हुआ था, 17 अक्टूबर 1817, ठीक है, और कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया सैयद अहमद खान रॉट अबाउट द शॉर्टकमिंग्स ऑफ ब्रिटिश, ठीक है, उन्होंने जब ब्रिटिश पीरियड था अपने इंडिया में तो उन्होंने किसके बारे में लिखा था, ब्रिटिश के शॉर्टकमिंग्स के बारे में, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो अ रिलीजियस एक्टिविस्ट एंड रोट बुक्स ऑन द टीचिंग ऑफ कुरान, ठीक है। जैसे एक वो भी क्या थे, रिलीजियस पर्सन थे है ना, मतलब रिलीजन के लिए वर्क करते थे, सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए वो भी वर्क करते थे, ठीक है, और उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी किसके ऊपर, मतलब कुरान, कुरान के ऊपर बुक्स लिखी थी। ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन बाय सेटिंग अप स्कूल्स एट मुरादाबाद एंड गाजीपुर, ठीक है। उन्होंने उनका और किसमें कंट्रीब्यूशन था, मतलब उन्होंने और किसका कंट्रीब्यूशन था उनका, उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स डेवलप करे, ठीक है, कहाँ पर, मुरादाबाद और गाजीपुर, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स डेवलप करे थे। ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी एंड द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और वो क्या थे, फाउंडर थे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के, एक तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और एक साइंटिफिक सोसाइटी। सैयद अहमद खान ऑर्गेनाइज द ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस एनुअली टू प्रमोट द कोर्स ऑफ एजुकेशन ऑफ मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम की एजुकेशन के लिए, मतलब मुस्लिम की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक और क्या ओपन करा था, कौन सी कॉन्फ्रेंस ओपन, मतलब ऑर्गेनाइज करी थी, ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, मतलब जो भी मुस्लिम थे उनको पढ़ने के लिए, मोटिवेट करने के लिए उन्होंने ये चीज ऑर्गेनाइज करी, ठीक है। ओके, अवर चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ, अब डायरेक्ट अपन वो एक्टिविटी फिल कर लेते हैं। चल, ब्लैंक्स, फर्स्ट
अशोका स्प्रेड द मैसेज ऑफ डैश। अशोका ने कौन से मैसेज को स्प्रेड किया था, हिंदुइज्म, इस्लाम या फिर बुद्धिज्म? आंसर इज बुद्धिज्म। आर्यभट्ट वॉज अ वेल नोन डैश। आर्यभट्ट क्या थे, एस्ट्रोलॉजर, पोएट या फिर एस्ट्रोनॉमर? आंसर इज एस्ट्रोनॉमर। ब्लिट थर्ड, कबीर वॉज अ डैश रिफॉर्मर। कबीर क्या थे, रिलीजियस, सोशल या फिर पॉलिटिकल? तो कबीर हमने किस में पढ़ा था, सोशल, रिलीजियस रिफॉर्मर। आंसर इज रिलीजियस रिफॉर्मर। कंप्लीट दिस फास्ट। कंप्लीट। चलो फोर्थ, अशोका बिलोंग टू द डैश डिनेस्टी। अशोका कौन सी डिनेस्टी से बिलोंग करते थे, मौर्यन, गुप्ता, चालुक्य? आंसर इज मौर्यन। चलो फर्स्ट, आर्यभट्ट रोट बुक्स ऑन दिस टू सब्जेक्ट्स। आर्यभट्ट ने दो बुक्स लिखी थी, कौन से सब्जेक्ट्स पे, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स? बेटा तो पहले टिक कर लो ना, आंसर आप बाद में लिख लेना, लिखो जल्दी से। चलो फर्स्ट कंप्लीट, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। आर्यभट्ट ने बुक्स कौन कौन सी लिखे, कौन कौन सी बुक लिखी थी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी मतलब एस्ट्रोनॉमी कौन सी स्टडी रहती है, मतलब जो अपन यूनिवर्स की चीजों को पढ़ते हैं, जैसे सन, मून, स्टार्स, ठीक है, इन सब की चीजों को जो पढ़ने वाली स्टडी रहती है ना, उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमर। और इन सब चीजों को जो पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमर। ठीक है,
सेकंड, एम्परर अशोका बिलोंग टू दिस डायनेस्टी। अशोका कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? आंसर इज मौर्यन। आंसर इज मौर्य। थर्ड, राजपूत प्रिंसेस वॉज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। राजपूत प्रिंसेस जो कृष्णा की डिवोटी थी, मतलब कृष्णा की भक्ति थी, वो कौन थी? मीरा। आंसर इज मीरा, MEERA। और इसके ऊपर का आंसर है MAURYAN। थर्ड, फोर्थ, फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है? सैयद अहमद खान। SYED, सैयद AHMED अहमद खान, KHAN। अच्छा, ओके, कंप्लीट ऑल ऑफ यू, सेंड मी थम्स अप। ओके, सो होमवर्क इज राइट दिस बुक एक्टिविटी वन टाइम इन योर रफ कॉपी। इस बुक एक्टिविटी को राइट करो वन टाइम। ओके, चलो ठीक है। वी आर एंडिंग द क्लास।